और उछलो पंजे छाती के ऊपर कूदो कूदो वजन खुर पर पुश अप चलो। तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हुई? बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तुमने नियम तोड़ा है। ये सब क्या है? तुम लोग खुद को कमांडो कहते हो? कतार में आ जाओ। जी जनाब। आज के बाद हर रोज हम सुबह उठकर 3 घंटे की कसरत करेंगे। तुम लोग नालायक हो। मेरी दादी में तुम लोगों से ज्यादा दम है। तुम लोगों के आराम के दिन खत्म। सावधान। सिर ऊंचा और फुर्तीले बनो। दाएं मुड़। 10 मील चल। दुगनी तेज। एक दो, तेज कदम से आगे बढ़ो। तेज चल। मैं बहुत जल्द इनके बच्चों को खुशी के गाने सिखाऊंगी। मैं मशहूर बनूंगी और ये दोनों भी। अच्छी है ना? हे क्या हुआ? क्या तुम लोगों को कोई बुरी खबर मिली है? क्या तुम्हारा खजाना गायब है? काश ऐसा हुआ होता। खजाना चोरी होने से भी ज्यादा कुछ बुरा हुआ। इसका मतलब तुम अपनी मुसीबत खुद हो। खजाना चोरी नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। ये तो बुरा है, बहुत बुरा। साफ साफ बोलो, समझ नहीं आ रहा। ऐसे खजाने का क्या काम जो किसी को नहीं चाहिए? हाँ, मतलब जो खजाना तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं, खजाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? तुम लोग पागल हो क्या? खजाना वो होता है जिससे सबको जलन होती है। हमसे कोई नहीं जलता। हाँ तो क्या हुआ? इसका मतलब वो पत्थर बिल्कुल रद्दी है। ये बहुत बुरा हुआ। दुगना बुरा हुआ। कुछ दिनों के लिए पहरा देना बंद कर दो। हमेशा के लिए। हाँ सच में। इससे पहले मैंने इनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। हाँ।
छोड़ दो मुझे अकेले। मुझे परेशान मत करो और जाओ। नटखट बच्चे, हमारे साथ खेलिए पिताजी, हम आपको सिखा देंगे। कैसे हो लुटेरो? ठीक है। विना, क्या तुम्हें पता है इन लुटेरों को क्या हुआ? वे काफी उदास हैं। मैंने उन्हें पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगा दोनों यहाँ खुश हैं, मनचाहा खजाना भी उन्हें मिल गया। इससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती विनर। यहाँ का नजारा दिन प्रतिदिन खूबसूरत होता जा रहा है, सुंदर और शांति भरा। जीवन में और क्या चाहिए? बस यही, यही तो सब कुछ है। शांति और खुशहाली से रहते हैं और मैं चाहता हूं कि यही मेरे साम्राज्य की पहचान हो, खुशियां ही खुशियां। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे अपनी सेना में कोई निकम्मा नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तेज कदम, तेज और तेज, चलते रहो, चलते रहो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, रुको मत, चलते रहो, ताकत खत्म हो गई। एक दो, एक दो, एक दो, चलते रहो, चलते रहो, एक दो, एक दो, एक दो, छह कतार में सावधान, टुकड़ी हाजिर है महामहिम। आप इतनी जल्दी उठ गए, क्या चल रहा है सेनापति? मैं अपनी सेना को अनुशासित कर रहा हूँ, ऐशो आराम ने इन्हें निकम्मा और मोटा बना दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको नहीं लगता आप ज्यादा मेहनत करा रहे हैं? असल बात तो वही है महामहिम, विश्राम। गलती मेरी थी, मैंने ज्यादा काम नहीं करवाया। ये आपको एक भेड़ियों के झुंड से नहीं बचा सकेंगे। सुरक्षा को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है सेनापति, लड़ाई खत्म हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं महामहिम, लड़ाई कैसे खत्म हो गई? वो इसलिए सेनापति, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए कोई खतरा नहीं है किसी के भी हमले का। अपने सिपाहियों से इतनी ज्यादा कसरत कराने की कोई जरूरत नहीं है सेनापति, मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ श्रीमान। अगर मेरा दुश्मन शेर खान हमारे आसपास होता तो मुझे खतरा होता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उसका झुंड भी बिखर चुका है, सारे इधर उधर चले गए, कोई खतरा नहीं है। आपको वो पुरानी कहावत तो याद ही है ना श्रीमान? हाँ हाँ सेनापति, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी रखिए। पर मेरे साम्राज्य में शांति बहाल है, युद्ध बहुत कर लिए, अब और नहीं। बेकार में इतनी मेहनत कराई। एक बात बताइए, तबाकी कहाँ है? काफी दिनों से उसे देखा भी नहीं और ना ही उसकी कोई खबर मिली है। मैं निश्चित तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि वो किसी जंगल की तरफ चला गया है। अजीब बात है, उसने मुझे अलविदा तक नहीं कहा। रुको सिम्बा,
मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आर्बर, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई। आपके पिता भी आज बहुत खुश होंगे। आप बिल्कुल खुश होंगे। फारना और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। क्या आप मेरे लिए शुभ समाचार लाए हैं? दरअसल ये गंभीर मुद्दा है, मैं चिंतित हूँ। मेरे पेड़ दोस्तों ने बताया जंगल में कुछ गड़बड़ है। अपने जादुई तालाब में झांक कर देखो, तुम सब समझ जाओगे। क्या मेरे जंगल के दोस्त खतरे में हैं? पिछली मुलाकात तक तो सब ठीक था, पर मुझे डर है शांति जल्दी भंग होगी। यहाँ आकर मुझे बताने के लिए धन्यवाद आर्बर। तुम्हारा स्वागत है सिम्बा। मुझे लगा तुम्हें जाकर बताना चाहिए। जानता हूँ तुम यहाँ रहकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम जाओ। अलविदा। अलविदा, सबको मेरा प्यार देना। जवानों शुरू हो गया कालू। अरे क्या हो रहा है ये? तो ये भगदड़ क्यों मची है? माँ, हमें पिताजी के साथ खेलना है। हाँ। अभी आर्बर बता रहा था कि हमारे ऊपर फिर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या हो सकता है? कुछ तो बुरा होगा। मेरी सेना तैयार है श्रीमान। इसकी जरूरत नहीं होगी सेनापति, सभी शांति से रहने के लिए सहमत हैं। शायद हमारा कोई साथी बीमार हो। हो सकता है कि बलू पर मधुमक्खियों ने फिर से हमला कर दिया हो। नहीं आर्बर, इतनी दूर ये बताने नहीं आएगा। शांत रहो और जादुई पानी में देखो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सब लोग गौर से देखो। देखें पर क्या? नहीं हो सकता। जरूर कोई बुरा सपना होगा, वो चला गया था। नहीं, ये उनका भूत तो नहीं है। नहीं, भूत कैसे हो सकता है? ये शेर खान तो नहीं है ना? क्या किसी को पता है कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है? मुझे सुनना है वो क्या कह रहा है। मेरा नाम बर्डन है, मैं शेर खान का चचेरा भाई हूँ और आज से मैं तुम लोगों का शासक हूँ। पूरे जंगल पर आज से मेरा राज होगा। तुम लोग मेरी हर बात मानोगे, मेरे आदेश पर कोई सवाल नहीं करोगे और आखिरकार इस जंगल में सिर्फ बाघ होगा राज होगा। मुझे पता था ये धोखा देगा। नहीं मीना, जरूर तुम्हें भ्रम हुआ है, तबाकी धोखेबाज नहीं है। कहानी है तो सिम्बा को हटाना होगा और उसके बेकार दोस्तों को भी। अभी जाकर बताता हूँ कि कौन बेकार है। मेरे भाईजान के चचेरे भाईजान, ये स्वागत करें इनका। तबाकी, इसकी कीमत उसको चुकानी होगी। राजा को कोई धोखा नहीं दे सकता। हमेशा शक होता था वो टूटे थोड़े ही नहीं। उनको ले आओ। फ्लैश,
कोई बेचारे फ्लैश को क्यों मारना चाहता है? पता नहीं अब वो फ्लैश किस मुसीबत में फंस गया होगा। इतने बड़े बच्चे को ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? चुप कर, देखो हमें सही मौका आने का इंतजार कर रहा होगा। उन बंदरों और लकड़बग्घों को दिखा दो अपनी ताकत। अपनी ताकत दिखा दो इन्हें फ्लैश। उठो। बहुत बढ़िया, ये तो खोज ही है पूरा। अभी तो ये बच्चा है। बहुत बढ़िया फ्लैश। सारे जल के खाक हो गए। अब वो लोग बालू के पीछे पड़ गए। अरे मैंने क्या किया? मेरे पिताजी को छोड़ दो बलू, मैं आ रहा हूँ। मेरे पिताजी से दूर रहो, मैं आ रहा हूँ बलू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हट जाओ। मेरे पिताजी को मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तू हमारे बल्लू को हम तो चीर सकते हैं। हमारे शहर चोर पे थोड़ा तो रहम करो। बुलाओ सबको, देखते नहीं हम हार रहे हैं। बेवकूफ बुलाया, ये मेरे असली हुजूर हैं। ए सब लोग लौट आओ, चलो। पिताजी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पिताजी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए पिताजी। फ्लैश, बलू, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ओह, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता फ्लैश। दोनों कितने प्यार से मिल रहे हैं। दर्द हो रहा है। मैं उन सबसे एक एक चोट का बदला लूंगा। हम अपने इस जंगल में वापस आए थे अमन और चैन की तलाश में, लेकिन वो फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
अब हमें क्या करना चाहिए सिम्बा? हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। बस आप हुक्म कीजिए, हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। बक्शार तक ये खबर किस तरह भेजे जाए मुझे ये सोचना होगा। अच्छा होगा कि आपकी तरफ से आरबर उन्हें खबर दे दे। ईगल किंग से कहूंगा जाकर बक्शॉट को ढूंढे। ईगल किंग, बक्शॉट से जाकर कहिए कि जंगल में एक नई मुसीबत आ गई है। जी महाराज, मैं अभी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ। हाँ बच्चों, चुप रहो। मैं एमराल्ड जंगल की तरफ निकलता हूँ। महामहिम, जंगली सूरों के सेनापति ने संदेशा भिजवाया है कि वो लड़ाई में आपका साथ देंगे। आप भी अपनी सेना तैयार रखिए सेनापति। जो आज्ञा महामहिम। अभी से हमारी सेना लगातार अपना अभ्यास जारी रखेगी। सावधान, आगे चल, दुगना कदम बढ़ाओ। खजाना क्या मिला? हम अपने दोस्तों को ही भूल गए मोटू। तुमने सही कहा, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चलो सेना के साथ कसरत करते हैं। कदम बढ़ाओ, आगे चलो, चलते रहो। सेनापति सही कह रहे थे, हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए सिम्बा युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्या शेर खान का चचेरा भाई उसकी शांति भंग कर देगा, या सिम्बा के जंगल के दोस्त खुद उस बाघ से छुटकारा पालेंगे? ये हमारे अगले एपिसोड में देखिए।